बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज भागलपुर पहुंचेगी। असिपेट में सीएम नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद वो वृद्ध आश्रम आश्रय स्थल का उद्घाटन भी करेंगे और फिर जीविका दीदियों और उद्योग विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल को देखेंगे। इसके बाद जगदीशपुर प्रखंड के तिनपुलिया गांव जाएंगे, वहां पर विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर भागलपुर में जबरदस्त तैयारी की गई। ग्यारह तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का यही जो स्पिनिंग मिल का परिसर है, इसी के परिसर में हेलीपैड हम लोगों ने बनाया है, वहीं आगमन होगा और उसके बाद बृहद आश्रय स्थल का यहां उद्घाटन है। और इसके अतिरिक्त जो नया सर्किट हाउस हम लोगों का बना है या जो खेल भवन है उसका भी उद्घाटन है। इस बिल्डिंग के छत का उपयोग करते हुए हम लोगों ने जो है सोलर प्लेट लगाया है, जिसकी कुल क्षमता भविष्य में बढ़ करके 100 किलोवाट होगी। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग उसको भी इंस्टॉल करा देंगे। अभी 19 किलोवाट का लग गया है, उसका उद्घाटन भी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुक्रवार को पूर्णिया में थी। शेड्यूल में कुछ बदलाव के बाद सीएम यहां पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, सबदलपुर गांव का सीएम ने किया निरीक्षण, पूर्णिया एयरपोर्ट के बहाने मोदी सरकार पर निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवां लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को सीएम की समाधान यात्रा पूर्णिया पहुंची। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कस्बा प्रखंड के सबदलपुर गांव पहुंचे। सबदलपुर गांव में मदरसा के छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदरसा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की प्रतिभा देखकर प्रसन्नता जाहिर की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सबदलपुर गांव का निरीक्षण किया, लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। तस्वीरें में साफ दिख रहा है, यह एक मदरसे की तस्वीर है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचे हैं और यहां पहुंचने के बाद जो गीत आ रहा है, गीत जो बजाया जा रहा है वो नशा के खिलाफ का है, शराबबंदी के जो कानून है उसके समर्थन का है। किस तरीके से जो मॉडल है वो यही है कि शराबबंदी कानून हो, जल जीवन हरियाली हो, जीविका दीदी हो, तमाम योजनाओं के सहारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करते हैं बिहार को विकास करने के, उन चीजों को देखना। सबदलपुर गांव में विकास कार्यों को देखने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पूर्णिया समन्वय सभागार में सीएम ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि नेपाल की वजह से यहां बाढ़ का खतरा है, आप लोगों को देखना है कि ये इलाका फ्लड का शिकार नहीं होना चाहिए। कुछ जगह पर तो विकसित है तो देख करके अच्छा लग रहा है, लेकिन और जो भी कब है खास करके कभी फ्लड का शिकार नहीं होना चाहिए और किसी तरह से नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो हम लोग लगे थे तो ऊपर हो भी नहीं करता है, नेपाल वाला चक्कर है क्या क्या, लेकिन बाकी हम लोगों को अपनी तरफ से जितना सबको बचा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया एयरपोर्ट के बहाने मोदी सरकार को घेरा। सीएम ने कहा कि पूर्णिया में सबसे पहले एयरपोर्ट बनना था, 2017 में कई बार बैठक हुई, सुरक्षा से लेकर रास्ता देने तक के लिए राज्य सरकार हमेशा तैयार रही है, बावजूद इसके पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हुआ, यह आश्चर्य की बात है। एयरपोर्ट वाला तो हमको इतना दुख है, बोलिए आप लोगों को सबको एहसास होगा जो यहाँ के रहने वाले हैं, पत्रकार से लेकर के सबको पता है, सबसे पहले इसको बनवाना था और तैयार भी थे। और बोलिए ना 2017 में कितनी बार मीटिंग हुई, दो बार केंद्र सरकार के लोग आकर के मीटिंग किए हैं, हम बाहर दूसरी तरफ थे तब भी आए और फिर इन लोगों के साथ आए तब भी आए, मीटिंग करके एक एक चीज तय करके और वहां पर के बारे में फिर उसका रास्ता बनाने के लिए भी अलग से हम लोगों ने कर, अब काहे इतना देर किया है। तो हमने तो अंत में इनको कहा कि जाकर के वहां पर बात भी करिए, और उसमें भी तो बहुत हमको देखे इतनी तकलीफ है। शुक्रवार को पूर्णिया में अचानक से सीएम की समाधान यात्रा का शेड्यूल बदल गया। पहले धमदाहा के विशनपुर में कार्यक्रम था, लेकिन रातों रात कार्यक्रम को बदलकर सबदलपुर किया गया।
हालांकि ग्रामीणों में हाई जोश देखने को मिला। नवजीत, जी मीडिया, पूर्णिया।